दोस्तों जय हिंद। बॉलीवुड की सबसे बड़बोल अदाकारा बोले तो कंगना रनौत अब अकेली पड़ती नजर आ रही हैं। नकली घोड़े पर बैठकर उन्होंने असल जिंदगी को भी नौटंकी समझ लिया था कि जब मन करे और जब दिल चाहे तब किसी भी किरदार पर तलवार तान दो। जिस माया नगरी मुंबई ने कंगना रनौत को एक पहचान दी, दौलत दी, शोहरत दी, नाम दिया, वही मुंबई एक दिन कंगना रनौत को पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर नजर आने लगता है। अपने ही देश के एक बड़े भूभाग को पाकिस्तान से जोड़ने वाली कंगना रनौत को बीजेपी बहुत प्यारी है, लेकिन अब कल लगता है कि कंगना रनौत का मुंह बीजेपी ने भंग कर दिया है। कंगना को वाई प्लस सिक्योरिटी मिली हुई है, फिर भी कंगना को मुंबई वाली शिवसेना से डर लगता है। शायद कंगना रनौत को वाई प्लस सिक्योरिटी वालों पर भी बिल्कुल भरोसा नहीं रहा। शायद इसीलिए तो कंगना रनौत ने अपने आपराधिक मुकदमों की सुनवाई हिमाचल प्रदेश में करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कंगना रनौत अपने ऊपर लग चुके मुकदमों से बिल्कुल तंग आ चुकी हैं, आजीज आ चुकी हैं, लेकिन जुबान है कि जहर निगलना छोड़ता ही नहीं, रोज ट्विटर पर अपने दिमाग का गंदगी फैलाने में व्यस्त रहती हैं। कंगना रनौत की नजर में नागरिकता कानून का विरोध करने वाले लोग आतंकवादी नजर आते हैं। केंद्र सरकार के तीनों कानूनों के खिलाफ भी प्रदर्शन करने वाले अन्नदाता कंगना रनौत की नजर में आतंकवादी लगते हैं, खालिस्तानी लगते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग लगते हैं। दरअसल कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली चंदेल ने मुंबई में अपने ऊपर लगे तीन आपराधिक मुकदमों के मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है कि मिलॉर्ड हमारे तीनों मामलों को मुंबई से शिमला ट्रांसफर कर दिया जाए, यानी कि महाराष्ट्र से सीधे हिमाचल प्रदेश में ट्रांसफर कर दिया जाए। अब कंगना रनौत के वकील का कहना है कि अगर मुंबई में केस चलता रहे तो शिवसेना के नेता बदले की भावना से कंगना और उनकी बहन रंगोली चंदेल का कत्ल भी करवा सकते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट से उनकी याचिका पर सुनवाई की फिलहाल अभी कोई तारीख तय नहीं हुई है। अब सुनिए मुंबई में कंगना के खिलाफ कौन कौन से मामले हैं जिनको वो मुंबई से शिमला ट्रांसफर करवाना चाहती है। कंगना रनौत पर सबसे पहला चाबुक मानहानि के तौर पर गीतकार जावेद अख्तर ने चलाया। कंगना ने सुप्रीम कोर्ट जाने का कदम तब उठाया जब जावेद अख्तर के मानहानि केस में मुंबई की अंधेरी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सोमवार को उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी कर दिया। यह वारंट इसलिए जारी किया गया क्योंकि कंगना बार बार बुलाए जाने के बावजूद भी पुलिस स्टेशन में हाजिर नहीं हो रही थी। अब कोर्ट ने कंगना रनौत को पुलिस के सामने हाजिर होने के लिए 22 मार्च का दिन तय किया। मामला यह है कि जावेद अख्तर ने नवंबर 2020 में कंगना रनौत के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी कि कंगना ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद उनके नाम को बॉलीवुड के गुटबाजी में घसीट दिया था। इसके साथ ही ऋतिक रोशन के मामले में जो आरोप लगाए गए उससे भी जावेद अख्तर की छवि को धक्का लगा है और जावेद अख्तर आहत हुए हैं। दिसंबर 2020 में अंधेरी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने जुहू पुलिस से कहा कि जावेद अख्तर की शिकायत की जांच करे। इसके बाद पुलिस ने 1 फरवरी 2020 को अदालत में रिपोर्ट दी और बताया कि जावेद अख्तर के आरोपों की और जांच की जरूरत है। कंगना का मामला सिर्फ मानहानि तक ही सीमित नहीं है बल्कि कंगना रनौत पर राजद्रोह का मुकदमा भी चल रहा है। कंगना ने राजद्रोह के उस मुकदमे को भी शिमला ट्रांसफर कराने की मांग की है जो उनके और उनकी बहन के खिलाफ मुंबई के वकील अली कासिफ खान देशमुख ने दर्ज कराया है। दरअसल 4 महीने पहले अंधेरी मजिस्ट्रेट कोर्ट में दी अपनी शिकायत में कंगना पर 2 समुदायों के बीच नफरत और घृणा पैदा करने का आरोप लगाया। वकील ने अपनी शिकायत में लिखा कि कंगना रनौत के अंदर देश की विविधता और कानून का सम्मान नहीं है, यहां तक कि अदालत का भी वो मजाक उड़ाती हैं। बांद्रा कोर्ट ने एफआईआर के आदेश दिए तब कंगना रनौत ने पप्पू सेना टर्म का इस्तेमाल करते हुए न्यायपालिका के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण और अपमानजनक ट्वीट किए। अब बात करते हैं कंगना रनौत के तीसरे कारनामे का। इन पर तीसरा केस फिटनेस ट्रेनर ने दर्ज कराया था। दरअसल 4 महीने पहले कास्टिंग डायरेक्टर और फिटनेस ट्रेनर साहिल अशरफ अली सैयद ने केस दर्ज कराया था और उनकी शिकायत पर सुनवाई के बाद बांद्रा कोर्ट ने एक्ट्रेस के खिलाफ एफआईआर का आदेश दिया था। सोचिए, पुलिस ने नहीं बल्कि कोर्ट ने एफआईआर का आदेश दिया है। साहिल अशरफ अली सैयद ने एक्ट्रेस और उनकी बहन रंगोली चंदेल पर बॉलीवुड में धर्म के नाम पर फूट डालने का आरोप लगाया था। मतलब कि कंगना रनौत को हर हाल में मुंबई जाना ही होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कंगना रनौत उनकी बहन की अर्जी पर क्या फैसला लेगा ये देखना बाकी होगा। फिलहाल जेड प्लस सिक्योरिटी के रहते हुए कंगना रनौत और उनकी बहन का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। फिलहाल शिवसेना वाई प्लस सिक्योरिटी रहने के बाद भी कंगना रनौत का कुछ नहीं बिगाड़ सकती।
क्योंकि ये एक सरकारी सुरक्षा है। लेकिन एक सवाल यह है कि वाई प्लस सिक्योरिटी रहने के बावजूद कोई भी राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता या राजनीतिक संगठन आखिर कंगना रनौत का कोई क्या बिगाड़ सकता है, जब इतनी बड़ी लाव लश्कर के साथ उनके साथ एक सिक्योरिटी फोर्स है। फिलहाल आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और लद्दाख में निष्पक्ष पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। जय हिंद।